हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप दुबे, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और आप देख रहे हैं मैस्ट्रो इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, आज मैं जिस आईपीओ की बात करने वाला हूं, उसका इंतजार हर इंडियंस को बेसब्री से है। सबसे बड़ी आने वाली आईपीओ 21,000 करोड़ की आईपीओ एलआईसी की आईपीओ के बारे में बात करूँगा। फ्रेंड्स, 4 मई को ओपन होगा ये आईपीओ और 9 मई तक क्लोज होगा। प्राइस ब्रांड जो है 902 से लेकर 949 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है, और लॉट का साइज होगा 15 शेयर, यानी कि 949 से अगर आप 15 को इंटू करें तो 14,235 रुपये आपको चाहिए इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। पॉलिसी होल्डर्स जो हैं उनको 60 रुपये का पर इक्विटी शेयर डिस्काउंट मिलेगा, और अगर एलआईसी एम्प्लॉय हैं तो उन्हें 45 रुपये का पर इक्विटी शेयर डिस्काउंट मिलेगा। 17 मई को बीएससी और एनएससी पर लिस्टेड होगा। 3.5% स्टेक ऑफर फॉर सेल के जरिए गवर्नमेंट ये सेल कर रही है। फ्रेंड्स, ये हो गई बेसिक डेटा की बात। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्या होगा, इस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे अपने रिसर्च और स्ट्रैटेजी की, कि मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ। मैं किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के पहले उसके स्ट्रेंथ को जरूर देखता हूँ, साथ ही साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है वो जरूर देखता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्टिंग यू कि आप अगर चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो को मैं मैनेज करूँ, तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें, जिससे कि मैं जैसे समय मिलेगा आपको गाइड कर पाऊंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं एलआईसी आईपीओ की, और अगर आप लाइक कर देंगे तो डेफिनेटली मैं मोटिवेट होकर आपके साथ और ज़्यादा जुड़ने की सोचूंगा, और साथ ही साथ आप हमें इंडिविजुअल मैसेज करके भी बात कर सकते हैं व्हाट्सअप पे कोई भी अपनी क्वेरी के लिए, क्योंकि किसी वीडियो के जरिए हम अपने सभी कस्टमर या सभी इन्वेस्टर्स के बातों को क्लियर नहीं कर सकते। किसी इन्वेस्टर्स का ये ध्यान होता है कि वो चीज़ जाने जो कि दूसरा नहीं जानना चाहते। तो फ्रेंड्स, आप हमें व्हाट्सअप करके भी इस चैनल से जुड़कर हमारे व्हाट्सअप के जरिए पर्सनल गेट टुगेदर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब चलिए चलते हैं आईपीओ के बारे में जानते हैं। 65 सालों से भी ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया इस देश को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, जो 61.6% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। और अगर यही न्यू बिजनेस प्रीमियम कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखें तो 61.4% मार्केट शेयर होल्ड करती है। इंडिविजुअल पॉलिसीज इशू के अकॉर्डिंग 71.8% मार्केट शेयर होल्ड करती है, यानी कि इंडिविजुअल पॉलिसीज कोई भी लेता है तो 71.8% इंडिविजुअल्स जो हैं वो एलआईसी का इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं। साथ ही ग्रुप इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग 88% पॉलिसी होल्ड करती है। कहने का मतलब है कि मार्केट शेयर ये 88% होल्ड करती है ग्रुप इंश्योरेंस के लिए। ग्रुप पॉलिसीज जो होता है वो मैक्सिमम एलआईसी को इसलिए मिलता है कि इसके पास बैकअप है गवर्नमेंट का, और साथ ही साथ एलआईसी जो है एक फिक्स्ड रिटर्न देने का प्रॉमिस करती है, और इसके पीछे जो गवर्नमेंट होने के कारण यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी या हो छोटी कंपनी, वो चाहते हैं कि हम एलआईसी के जरिए अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ का ग्रुप इंश्योरेंस ले। तो यहाँ पर इसको बेनिफिट मिल जाता है कि एक बल्क में उन्हें कस्टमर मिल जाते हैं। साथ ही बात करेंगे, एलआईसी इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेज करने वाली कंपनी है। अगर इस कंट्री के सारे म्यूचुअल फंड को भी ऐड कर दें तो म्यूचुअल फंड के जितने एसेट होंगे उससे ज़्यादा केवल एलआईसी मैनेज करती है। एलआईसी के पास सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल एजेंट्स हैं, जिनकी संख्या 1.33 मिलियन है। कुछ कंपिटिटिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रैटेजीज के पॉइंट डिस्कस करेंगे एलआईसी के बारे में। इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट बहुत बड़ा है, ये आपको भी पता है और ये कंपनीज को भी पता है। इसीलिए मैक्सिमम फाइनेंशियल जो कंपनीज है वो इस सेक्टर में आ रही है, जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो ये आने का कारण यही है कि इस सेक्टर में अभी नॉलेज पहले नहीं था, कोविड के बाद जो है ये इंडियंस को पता चल गया कि इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है अपने फैमिली के बैकअप के लिए। तो इसका मार्केट अभी बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर
इस कंपनी को भी बहुत बड़ी मार्केट और ग्रोइंग सेक्टर है ये, तो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। LIC किसी भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है। इसके ब्रांड की अगर रेटिंग करेंगे आउट ऑफ 100 तो इसे 84.1% माना गया है। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है BSI, इसके अकॉर्डिंग इसके ब्रांड की सिर्फ वैल्यू जो आंकी गई है वो है $ में बताऊंगा 8,655 मिलियन आंका गया है। साथ ही साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो LIC प्रोवाइड करती है। LIC की पॉलिसी मेनली 4 प्रिंसिपल पर काम करती है। सेविंग मतलब कि जॉब मिलते ही अगर यंग किसी को जॉब मिलता है यंगर को, तो वो सोचता है कि हम कुछ पैसे सेविंग करें, तो उनका सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी होता है वो होता है LIC, क्योंकि वो अपने जो इनकम को है हार्ड सेविंग को लॉस में नहीं देखना चाहते, तो LIC सेविंग प्लान प्रोवाइड करती है। करियर एंड मैरिज प्लान भी प्रोवाइड करती है, साथ में फैमिली नीड्स प्लान प्रोवाइड करती है, और सबसे बड़ी बात रिटायरमेंट प्लान प्रोवाइड करती है। रिटायरमेंट प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि सभी चाहते हैं कि मैं अपने 40% से 60% का रिटायरमेंट प्लान ऐसे जगहों पर रखूं जहां पर मुझे लॉस ना हो, यानी कि इक्विटी फ्री जगह पर रखूं जो कि सेफ हो, क्योंकि रिटायरमेंट सेकेंड लाइफ होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, तो वो चाहते हैं कि इसे सेफ इन्वेस्टमेंट करूँ कुछ 40-60% इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पर LIC जो है सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड होने के साथ साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल प्रोवाइड करती है। चौथा जो पॉइंट है वो है प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया थ्रू एन ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर LIC को देखें तो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी लोकल एरिया से हो, वहाँ पर LIC एज ए ब्रांड स्टेबलाइज है। रीज़न है कि इसके पास इंडिविजुअल एजेंट्स जो हैं वो 1.33 मिलियन है, और साथ ही साथ इसके पास बिजनेस पार्टनर जो है वो 70 हैं। अल्टरनेटिव चैनल की बात करें जैसे कि कॉरपोरेट एजेंट, ब्रोकर एंड इंश्योरेंस मार्केटिंग फॉर्म, इनकी संख्या 215 है। साथ ही साथ इसमें डिजिटल सेल्स के जरिए भी अपने पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी प्रोवाइड करती है। इसके साथ माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट जो हैं वो 2138 हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो LIC एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि डीमेरिट्स भी जरूर, किसी भी कंपनी का एक स्ट्रेंथ होता है, साथ ही साथ उसके वीकनेस भी होते हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, कंपटीटर जो हैं वो भी फास्ट ग्रोइंग कर रहे हैं अगर हम LIC से उनका कंपेयर करें, बिकॉज ऑफ कि उनकी ब्रांडिंग सॉलिड होती है। ब्रांडिंग कहने का मतलब है कि उनका सोशल, जैसे कि LIC में आप देखेंगे कि उनका इंडिविजुअल जो एजेंट्स होता है वो आपके घर आता है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उतना ऐड ये नहीं करते, ये अपने प्रॉफिट को उतना खर्च नहीं करते। बट ये जो सेंस है मेरे ख्याल से उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आज अगर इंडिया के इन्वेस्टर्स का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो वो वही चाहते हैं जो कि LIC कर रही है, यानी कि उनके घर में आकर वो इन्वेस्टमेंट जो प्लान बताए वो ज़्यादा सेफर समझते हैं व्हाट्सअप और सोशल मीडिया के जरिए बताए हुए प्लान के द्वारा। और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर जरूर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ओनली 3.5% का स्टेक सेल कर रही है, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के पॉलिसी भी दिखेंगे। गवर्नमेंट ऑलवेज ऐसे डिफेंसिव पॉलिसी अपनाती है क्योंकि उनको प्रॉफिट से ज़्यादा अपने पॉलिसी होल्डर का ख्याल रहता है, लेकिन ये एक सपोर्ट के तौर पे भी लिया जा सकता है, क्योंकि पॉलिसी होल्डर अगर सोच रहे हैं कि कोई हमारे बारे में सोचने वाला है तो वो गवर्नमेंट प्लान ही होगा, कहने का मतलब LIC इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग इस LIC IPO में अगर वन डे गेम के लिए आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये वन डे गेम नहीं है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हुए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और डेफिनेटली अगर मैं अप्लाई करूँगा तो लॉन्ग टर्म व्यू का ही अप्लाई करूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ नहीं आना चाहूँगा, क्योंकि एक बड़ी IPO होने के बावजूद इसमें ग्रोथ जो है, डिमांड जो है वो कंटिन्यू दिखेगा, क्योंकि ओनली 3.5% का स्टेक गवर्नमेंट सेल कर रही है। ऑफर फॉर सेल नेक्स्ट टाइम आएगा, राइट इशू भी नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं, लेकिन एक साल तक नहीं आएगा, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, जिससे कि इस IPO में
अच्छा नज़र आ रहा है कि हाँ इसमें हाइक मिलेगा, इसमें आपको लिस्टिंग गेन भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ और आप क्या करेंगे कमेंट्स कीजिएगा, और व्हाट्सअप नंबर पे अगर चाहते हैं इंडिविजुअल मुझसे मैसेज में बात करना तो कीजिएगा, बट मार्केट टाइम में मैं फ्री नहीं रहता हूँ, इवनिंग में ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, गेट टुगेदर करेंगे व्हाट्सअप ग्रुप में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप इन्वेस्टिंग।